वेक्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़े हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पढ़ रहे है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। और अल्फा को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या हो गया क्या, इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉल, दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर गोइंग डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जब पूरी तरह से हम लोग कैलकुलेट किए थे तो आ गया था हमारा अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन, तो हम क्या आया था एम एम माइनस वन। तो ये फॉर्मूला हम लोग कल निकाल लेते, और एक और फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े थे आई इक्वल टू नॉर्मल मोलार मास, नॉर्मल मोलार मास अपॉन ऑब्जर्व मोलार मास, ये पढ़े थे ना, मैं मतलब क्या हो गया नॉर्मल मोलार मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलार मास, यही पढ़े थे। अगर हम आई का वैल्यू इसमें पुट कर दें, ये एम क्या है, कितना परसेंट जो है वो डिसोसिएट किया है, कितना परसेंट डिसोसिएट, कितना डिसोसिएशन होता है अगर एम हुआ, एम एक फैक्टर है जिससे कि वो डिसोसिएट होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको पुट कर दें तो अल्फा का दूसरा फॉर्मूला भी आ जाएगा, आई के बदले अगर हमको मोलार मास दिया हुआ है नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों, ठीक है ना, तब हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इसके पहले क्या आया था, आई इक्वल टू क्या आया था, आई इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा, ठीक है। ये हम लोग जो है इन दोनों में अल्फा को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, अल्फा को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा एम माइनस वन, तो वन माइनस वन अल्फा होगा, इसी से नहीं हुआ, फिर आई माइनस वन इक्वल टू एम माइनस वन अल्फा, और फिर यहाँ से घुमाया, अरे तो कैलकुलेट करके ये लाया था ना, तो हमारा जो आई का फॉर्मूला हुआ है ना, ये जो आई का एक्चुअल फॉर्मूला तुम्हारा ही है ना, ये तुमको याद रखना, अगर नॉट ऑफ फैक्टर निकालने देगा डिसोसिएशन के केस में तो ये फॉर्मूला ही आता है, आर इक्वल टू वन प्लस एम माइनस वन, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। और फिर इसी को हम आगे जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए फर्दर जो है उसको कैलकुलेट किए, तो एक ये आ गया, अब इससे हम दूसरा निकाल लेते हैं, अब ये हो जाएगा एम एम माइनस एम ओ अपॉन एम ओ अपॉन एम माइनस ओ, ठीक है, हो जाएगा ऊपर एम एम माइनस एम ओ
नॉट, इस फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर हमको ऑब्जर्व पोलर मास दिया हुआ है और एम और जो है नॉर्मल पोलर मास दोनों दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, काफी हम लोग देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड जब डिसोसिएट करेगा तो बनेगा के प्लस सी एल। ठीक है, तो एम का वैल्यू कितना, टू। एम का वैल्यू कितना हो गया, टू हो गया, यही बात सुन लो है। तो एम का वैल्यू जब टू हो गया तो हम आई निकाल सकते हैं, इसके लिए आई हो गया वन प्लस टू माइनस वन अल्फा। ठीक है ना, हो जाएगा वन प्लस अल्फा, यही हुआ है। अगर अल्फा का वैल्यू निकालने कहेगा तो अल्फा इक्वल टू क्या है, आई माइनस वन, आई माइनस वन, और एम का वैल्यू कितना है, टू है, माइनस वन तो कितना होगा, आई माइनस वन। आई बात बन रहा है, बन रहा है। उसके बाद फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा, सी एल टू प्लस टू सी एल माइनस, यही ना टूटेगा। तो एम का वैल्यू कितना हो गया, थ्री हो गया ना, एक आयन और दो आयन डिसोसिएट कर गया, थ्री आयन हो गया ना, है समझ में। एम का वैल्यू थ्री हो गया, तो अगर हमको आई का वैल्यू निकालने कहेगा तो फिर हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, वन प्लस एम का वैल्यू कितना है, थ्री माइनस वन, आ गया क्या, वन प्लस टू अल्फा। और अगर अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो आई माइनस वन, एम का वैल्यू थ्री है, थ्री माइनस वन, ये हो गया आई माइनस वन। ठीक है, उसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर दिया रहेगा, समझ गया, आई बात समझ में। कभी अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा तो बाकी चीज निकाल सकते हो, समझ में आ गया ना, एम का वैल्यू क्या होता है, अल्फा तो दिया रहेगा या निकालना परसेंटेज में रहेगा, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 50% डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा का वैल्यू कितना हो रहेगा, 50/100। जैसे अगर मान लो कि जैसे हम लोग केसीएल नहीं बोले थे, केसीएल बोले थे ना, हम मान लो कि इसको बोलते हैं कि ये जो हो रहा है 80% डिसोसिएट, 80% डिसोसिएट हो रहा है, मान है ना, लेट आई बात समझ में। मान लिया कि 80% डिसोसिएट, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80/100। ठीक है, हो जाएगा 0.8, समझ में आ गया, ऐसे निकालते हैं, आई बात समझ में। तो अल्फा का वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो आई का फैक्टर नहीं मिलेगा, आई का फैक्टर माइनस वन, ऐसे नहीं है ना। अगर 80% डिसोसिएशन हो रहा है, अल्फा का वैल्यू 0.8 है, आई का वैल्यू कौन का फैक्टर निकल जाएगा, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कितना डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि तो प्रैक्टिकल है, कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो एक्सपेरिमेंटेड डिटरमाइन करना होगा, तो कोई ना कोई चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी तो बाकी चीज को हम निकाल पाएंगे, समझ में आ गया है। अभी जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एग्जांपल लेते हैं, K4Fe(CN6). ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जब डिसोसिएट होगा कितना आएगा, 4K+ बनेगा, और इधर जो है Fe(CN6), और जो है
फोर माइनस ना, पानी में जैसे डालेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड को तो डिसोसिएट हो जाएगा ये, तो एम का वैल्यू कितना होगा, एम का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू फाइव हो गया, चार आयन इधर है और एक आयन इधर है, फाइव हो गया। और मान लो कि दे दिया कि 50% डिसोसिएशन है ना, दिया हुआ है कि 50% डिसोसिएशन है, 50% डिसोसिएशन है, अल्फा कितना हो गया 5100, तो 0.5 हो गया, तब तुमको एम मिल गया, अल्फा मिल गया, तो आई निकलेगा कि नहीं, समझ में आ गया ना। एम मोल
कितना माने है एम मोल एसोसिएट हो करके वन मोल बनाता है, एम मोल एसोसिएट होके वन मोल बना रहा है, ठीक है। एम मोल एसोसिएट होके एसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है एसोसिएट हो रहा है वन एम मोल और दे रहा है कितना वन मोल, ठीक है। तो वन मोल अगर एसोसिएट होगा तो कितना देगा वन बाय एम मोल देगा, तो फिर अगर अल्फा मोल एसोसिएट होगा कितना देगा वन बाय एम इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा बाय एम होगा या नहीं होगा। यहाँ पर कितना एसोसिएट हुआ अल्फा ना, तो ये कितना बन जाएगा अल्फा बाय एम, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है ना, ये एम रिएक्टेंट आपस में एसोसिएट किया, जैसे हम लोग डिसोसिएशन में क्या बोले थे ए एम इधर लिए थे और एम ए उधर लिए थे, ए एम मतलब क्या हुआ एक मॉलिक्यूल लिए थे एक मोल मॉलिक्यूल लिए थे और वो डिसोसिएट हो गया था एम मोल में, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, हम लोगों ने एम मोल लिया और एसोसिएट होके वन मोल बना लिया, ठीक है, आई बात समझ में। तो अल्फा बाय एम बनेगा कि नहीं, अल्फा मोल एसोसिएट किया, अल्फा मोल एसोसिएट किया तो प्रोडक्ट कितना बनेगा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल कितना बनेगा, एग्रीगेटेड की जगह जो है ना वर्ड अच्छा लगेगा एसोसिएट, ठीक है, ठीक है, आया हुआ समझ में। अब उसके बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्यों लिखते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम क्यों लिखते हैं, इक्विलिब्रियम इसलिए लिखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ना इसमें सारा का सारा तो एसोसिएट नहीं हुआ या सारा का सारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं, 100% एसोसिएशन नहीं हुआ, 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ तो एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड दोनों है, एसोसिएटेड अनएसोसिएटेड दोनों है, और उस केस में था डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड दोनों था, दोनों है ना, दोनों इक्विलिब्रियम आ गया ना। अब लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है लेकिन वो कह रहा है एक मॉलिक्यूल टूटता है दूसरा मॉलिक्यूल टूटता है, ये चलते रहता है, तो क्या डायनामिक कंडीशन है, हमको भले लगता है कि नहीं हो रहा है लेकिन ध्यान से जब हम ऑब्जर्व करें हैं तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है फॉर एवर, कभी बंद होता ही नहीं, इधर से एक मॉलिक्यूल टूटा उधर से दो मॉलिक्यूल जुड़ गया, ऐसा चलते रहे, ठीक है, आया समझ में। तो हो गया इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा मतलब फाइनल हो गया रिएक्शन, अब आगे कुछ नहीं होगा, तो पहले कितना था हुआ उसमें से अल्फा जो रिएक्ट कर गया है ना, तो बचा कितना वन माइनस अल्फा ही बचा रिएक्टेंट का, है वन माइनस अल्फा ही बचा, और इधर पहले जीरो था ये तो बढ़ा है ना, तो प्लस देंगे ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आएगा अल्फा बाई एम आएगा, ठीक है, समझ पाया यहाँ से, समझा। तो आप लिखेंगे क्या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम, लिखो और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम और आफ्टर एसोसिएशन, और आफ्टर एसोसिएशन, समझ में आया नहीं ना, आपका एसोसिएशन तो दोनों जुड़ जाएगा ना, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई यही ना जाएगा, वहां पर इसके पहले निकले थे क्या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम और आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है ना,
टोटल नंबर ये हुआ, जहाँ एसोसिएशन हो रहा था एसोसिएशन लिख दीजिए। अब जो है हम लोग आई का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन कितना है, वन है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब बिफोर एसोसिएशन है ना, एसोसिएट होने से पहले जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वन है ना, हाँ आई बात समझ में, वन है कि नहीं, क्लियर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन, ठीक है, और ये मिला क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन, क्योंकि आप एसोसिएशन होने के बाद दोनों तरह का मॉलिक्यूल है, अनएसोसिएटेड भी है इस और एसोसिएटेड भी है, दोनों है, लेकिन बिफोर एसोसिएशन क्या है, सारा का सारा अनएसोसिएटेड, सारा का सारा अनएसोसिएटेड। अब डिसोसिएशन में क्या होता है, बिफोर डिसोसिएशन सारा का सारा जो होता है अनडिसोसिएटेड रहता है, और जब हो जाता है रिएक्शन तो कुछ जो है अनएसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड और कुछ डिसोसिएटेड रहता है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, क्योंकि 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा, अगर वैसा रहता तब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानते ही नहीं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन मानते ही नहीं है, 100% होता तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100% होता है तो अल्फा का वैल्यू 1 होता है, समझा तो ना, क्योंकि 100% अगर होता है तो अल्फा का वैल्यू 1 हो जाता है, तो उसका कोई जरूरत ही नहीं है उस फैक्टर का, उस टर्मिनोलॉजी का कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको तो पता चला कि 100% डिसोसिएशन आयनिक में भी नहीं होता, सारे नहीं होता, किसी किसी में होता है, सारे में नहीं होता, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना है, 1 - α + α/n, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन कितना है, 1, ठीक है, आया बात समझ में। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, ये हो गया 1 - α + α/n, उसको कैलकुलेट कर दो, या यहाँ पर भी रख करके यूज कर सकते हो, ठीक है ना, या इसको इसको एक साथ कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है, 1 - α + α/n, और इस दोनों को लेकर कॉमन कर देने को ज़्यादा अच्छा, 1 को बाहर कर, अल्फा जो है कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 - α, होगा होगा ना, है? तो हमारा आई का वैल्यू मिल गया, यही तुम्हारा फॉर्मूला है, यही तुम्हारा फॉर्मूला है, इसी को यूज करना है, ठीक है ना, बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इसी का यूज करना है, ठीक है। अब है कि हमको जो है निकालना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकालना है, तो हमको अल्फा का वैल्यू निकालना होगा, तो रीअरेंज कर देंगे, ये हो जाएगा i - 1, इसको ले आएंगे इधर प्लस माइनस ना होगा, इसको उधर किए है ना, तब कॉमन माइनस का, ठीक है, आया समझ में, हो जाएगा i - 1 = 1 / m - 1α, इन होगा, उसके बाद और रीअरेंजमेंट कर देते हैं, α = इसको उठा के इधर ले आते हैं, i - 1 / 1 / m - 1, समझ में आ गया, क्लियर।
ठीक है। तो एक तुम्हारा ये मिल गया और फिर से एक वो फॉर्मूला जो है, अब तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा ना, ये हम जानते हैं ना, आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास, है कि नहीं होता है ना। अगर वो फॉर्मूला देंगे तब ये भाग बन जाएगा, देन अल्फा इक्वल टू, अगर इसको आप यूज करें ठीक है, और इसको यूज करें दोनों को, इसको इसको दोनों को आपस में कंपेरिजन करेंगे तो आई का वैल्यू आप बिठा देंगे, हो जाएगा ऊपर एम एन बाई एम नॉट माइनस वन, और नीचे हो जाएगा वन बाई एम माइनस वन, इन होगा। कैलकुलेशन हो जाएगा अल्फा इक्वल टू ऊपर हो गया एम एम माइनस एम नॉट बाय, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा वन माइनस एम इंटू एम जाएगा ऊपर एम नॉट नीचे, एम जाएगा ऊपर और एम नॉट नीचे, ठीक है। समझ में आ गया, लिख रहा लिखा हुआ नीचे समझ में आया। तो हमारा मर्जी है, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अगर हमको आई दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और अगर एम एन और एम नॉट दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्लियर। दोनों में जो हमको सूटेबल लगेगा जिस समय उसमें उस फॉर्मूला का यूज करके डिग्री आप डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे बॉन्ड ऑफ फैक्टर गेट्स ओवर चैप्टर गेट्स ओवर, ठीक है। नॉ रिवाइज, जो एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क।